एक चमकता हुआ खूबसूरत और सेहतमंद चेहरा किसको बुरा लगता है? तो अगर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा डल डैमेज हो चुका है, आपके चेहरे पे पिंपल्स आ रहे हैं, स्कार्स हो रहे हैं, पिगमेंटेशन हो रही है, या रिंकल्स झुर्रियाँ आ रही हैं, या स्किन आपकी लूज़ हो रही है, तो जनाब ये वीडियो है आपके लिए। मैं आपको आज बताऊँगी कि किस तरह से आप बिना पॉलर जाए, बिना महंगे महंगे फेशियल करवाए, घर बैठे ही अपनी स्किन को हेल्दी, शाइनी और ग्लोई कर सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ इन चार मैजिकल और मिरेकल प्रोडक्ट का रिव्यू। ये वो प्रोडक्ट हैं जो कि हर मर्द और औरत के पास यकीनन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ले आएँ, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट आपके कॉस्मेटिक्स में शामिल होनी ही चाहिए। ये किसी भी किस्म का कोई पेड रिव्यू नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले है मेरे पास रिवाज यूके का क्लेंज़र। ये क्लेंज़र आप नॉर्मल भी सुबह जब आप उठती हैं तब भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर इस क्लेंज़र को आप रात में इस्तेमाल करेंगी, अभी जो मैं जिस सीरीज़ से ये प्रोडक्ट आपको बता रही हूँ, ये आपने सिर्फ रात में ही यूज़ करना है। सोने से पहले आपने अपनी स्किन को अच्छे से किसी फेस वॉश से साफ़ करना है, और उसके बाद आपने ये जो रिवाज यूके का क्लेंज़र है, इससे आपने 5 मिनट के लिए अपने चेहरे पे अच्छे से मसाज करना है। पे टिश्यू पेपर से साफ़ करने के बाद आपने अपनी स्किन के ऊपर लगाना है ये गोल्डन पर्ल का अर्जेंट फेशियल। बहुत ही अच्छा है, बहुत रीज़नेबल प्राइस है इसकी, और इसके रिजल्ट्स जी वाओ, कमाल के इसके रिजल्ट्स हैं। आप इसे एक बार इस्तेमाल करेंगी तो आप फिर कहेंगी कि हाँ जी, आप ही ने वाकई सच कहा था, और वाकई ये किसी किस्म का कोई पेड रिव्यू नहीं है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। तो आपने क्या करना है कि पहले क्लेंजिंग करनी है, क्लेंजिंग के बाद उसको टिश्यू से साफ़ कर लेना है, और उसके बाद आपने अपने पूरी स्किन पे, अपने चेहरे पे, अपनी नेक पे ये जो अर्जेंट फेशियल है, ये आपने अपने चेहरे पर लगाना है, और लगा के तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आपको बस लेट जाना है। उसके बाद आपको ये हल्का हल्का सा गीला होगा, तो आपको इसको क्या करना है कि आपने टिश्यू से इसको साफ़ कर लेना है, और उसके बाद आपने ये जो ब्लैक हेड मास्क है, ये आपने अपने नोज़ और चिन एरिया पे लगाना है। इसका मैंने एक कंप्लीट वीडियो शेयर कर रखी है कि आपने किस तरह से इसको लगाना है, वो आप देख लीजिएगा, मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और इस मास्क को लगाने के बाद आपने अपने चेहरे पर लगाना है ये एंड में जो मेरे पास मास्क है, ये वाला मास्क आपने लगाना है। ये मास्क भी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये चारकोल मास्क है, और ये स्किन को इतना अच्छा ग्लोई इफ़ेक्ट देता है कि आप यकीन नहीं कर सकते। तो जी देख लीजिए, यहाँ पे ये जो ब्लैक हेड मास्क है ये बिल्कुल डार्क ब्लैक है, और जो चारकोल मास्क है ये ग्रे कलर का है। तो बस जी, आपने इन चीज़ों का डेली इस्तेमाल करना है, डेली नहीं तो वीक में 2 दफ़ा कीजिए, इंशाल्लाह आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। सो जी, ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और मज़ीद वीडियोस के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।